नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564503096906089745385 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। दोस्तों, समीक्षा अधिकारी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए डे वाइज सीरीज हमारी चल रही थी और ये डे 10 का वीडियो है जिसे कि आप देखने जा रहे हैं। भारत का भूगोल हम इस वाले लेक्चर में पहले कवर करेंगे, तो शुरू करते हैं। भारत की भौगोलिक संरचना पर पिछले लेक्चर में चर्चा हो चुकी है, यहां हम देखेंगे उत्तर के पर्वतीय प्रदेश को और हिमालय पर्वत के बारे में हम विशेष रूप से देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। हिमालय एक नवीन पर्वत है, मतलब जिसे आप युवा कह सकते हैं, और एक वलित पर्वत है संरचना के दृष्टिकोण से। वलित पर्वत ये जमीन पर जब वलन पड़ते हैं किसी कारणवश, जो कि ज़्यादातर अंतरजातीय और बहिर्जातीय बल इसमें भूमिका निभाते हैं, अन्य भी कई सारे कारक होते हैं, तो जमीन की जो ऊपर की सतह है उसमें सिलवटें पड़ जाती हैं और ये सिलवटें बिल्कुल कपड़े की सिलवटों की तरह से होती हैं। बस फर्क ये है कि ये चट्टानों पर पड़ती हैं तो इनका आकार बहुत बड़ा होता है और जब दबाव ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये वलन ऊँचे ऊँचे हो जाते हैं और इन्हीं से पर्वतों का निर्माण होता है। और जिन भी पर्वतों की ऊंचाई अधिक है वो आमतौर पर वलित पर्वत ही होते हैं। तो यहाँ हिमालय भी एक वलित पर्वत है और भूगर्भीय रूप से ये नया है, अभी बन रहा है। अब यहाँ आप देखें पर्वत श्रृंखलाओं की दिशा अगर देखी जाए तो पश्चिम से पूर्व दिशा में ये फैले हैं, सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक। और हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। वलित पर्वत तो ही है, तो वलित पर्वत श्रृंखलाएं भी विश्व में कई सारी हैं, लेकिन हिमालय उनमें सर्वाधिक ऊंचा है। माउंट एवरेस्ट जैसी जो सबसे ऊंची चोटी है दुनिया की, मतलब दुनिया में आप कहिए कि सबसे ऊंचा स्थान है, वो हिमालय में पाया जाता है। हिमालय 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ एक अर्धवृत्त का निर्माण करता है, ठीक है, मतलब 2400 किलोमीटर इसका पूरा विस्तार है और ये अर्धवृत्त के आकार में फैला हुआ है, मतलब कुछ इस प्रकार से, और इसे उल्टा करके देखना सही रहेगा भारत के लिहाज से। इसकी चौड़ाई कश्मीर से, कश्मीर की स्थिति में देखें तो 400 किलोमीटर के आसपास होता है और अरुणाचल प्रदेश में ये 150 किलोमीटर हो जाती है। तो ये एक चीज़ इसमें कन्फर्म है कि जब चौड़ाई कम होगी तो निश्चित रूप से ऊंचाई में कुछ ना कुछ विक्षेप आएगा, यानी ऊंचाई में वृद्धि होगी। तो अरुणाचल प्रदेश वाला जो हिस्सा है उसमें ज़्यादा वेरिएशन, और मोटे तौर पे देखा जाए तो जो पूर्वी भाग है उसकी ऊंचाई में ज़्यादा विविधता पाई जाती है तुलनात्मक रूप से पश्चिमी भाग के। अब यहाँ आप ये नक्शा देख रहे हैं और नक्शे को जरा सा बड़ा कर लेते हैं। पर्वत श्रृंखलाओं को सिर्फ हम देखेंगे, नदियों को अलग से देखा जाएगा, नदियों के लिए अलग लेक्चर होगा। देखिए इसमें पर्वत श्रृंखला हिमालय की मूल रूप से देखनी है, तो ये पामीर नॉट है, पामीर की गांठ है, मतलब पामीर का पठार उधर है। इधर इसके पूर्व दिशा में अगर देखा जाए तो कुनलुन श्रृंखला है और हिंदू कुश जो है वो पश्चिम में। अब यहाँ काराकोरम आप देख रहे हैं, काराकोरम ये रहा और अशील दर्रा इसके ये बगल में है, उस साइड में है। काराकोरम दर्रा आप यहाँ देख रहे हैं, काराकोरम रेंज से इसका नाम जुड़ा हुआ है, इसे और बड़ा कर दीजिए अच्छे से दिखाई देगा। इसी क्रम में अगर हम चलें तो यहाँ राकापोशी ये पर्वत श्रृंखला है, नंगा पर्वत है, और यहाँ आप देख रहे हैं कि जोजिला है। इसके बाद ये लद्दाख श्रेणी है एक क्रम से, और यहीं पर ध्यान से अगर आप देखिएगा तो ये माउंट केटू है, ये आप देख रहे हैं ये वाला माउंट केटू गॉडविन ऑस्टिन, जो कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, माफ कीजिए पर्वत चोटी है, और अभी फिलहाल ये POK में है, मतलब पाकिस्तान जो कश्मीर पर जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है उस हिस्से में, लेकिन ये हमारा ही हिस्सा है। तो माउंट केटू यहाँ पे, लद्दाख श्रेणी ये ठीक बगल में है, और ये जास्कर आप देख ही रहे हैं, उसके ठीक नीचे आप यहाँ शिवालिक श्रेणी को देखेंगे, और जरा नीचे उतर आते हैं। नीचे उतरने का मतलब ढलान तो है ही है, उसके अलावा हम पूर्व दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। तो यहाँ आप देखिए ये बड़ा लाचा है, इसके बाद ये शिपकीला दर्रा है, ये रहा, और ये हिमालय फैला हुआ है। कामेत पर्वत श्रृंखला यहाँ है, नंदा देवी यहाँ पर है, उत्तराखंड के हिस्से में हम लोग घूम रहे हैं। इसके बाद धौलागिरी और अन्नपूर्णा यहाँ पे हैं, ये सब पर्वत चोटियाँ हैं ऊंची ऊंची। गुरुमानधाता ये रही, मानसरोवर झील आपकी यहाँ पे है तिब्बत के पठारी इलाके में, ठीक है, और ये चीन है, मतलब तिब्बत पर चीन ने अधिकार कर लिया, तिब्बत चीन का कर्जदार हो गया। आपने ल्हासा की संधि के बारे में पढ़ा होगा, लॉर्ड कर्जन के समय में होती है, तो वहीं पर तिब्बत का भारी भरकम कर्जा चीन ने चुकाना मंजूर किया, तो इससे वो उसका एक तरह से मोहताज बन गया, तो तब से चीन का उस पर आधिपत्य है। और यहाँ एवरेस्ट को आप देख रहे हैं, दुनिया की सबसे ऊंची जगह, उसी के पास में ये मकालू है, ये कंचनजंगा है। तो सभी पर्वत श्रृंखलाओं में, या पर्वत चोटियों को कहना ज़्यादा सही रहेगा, तो उसमें ऊंचाई का बहुत अंतर नहीं है। ऐसा नहीं कि माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है तो बाकी सब नाटे हैं, लेकिन ऊंचाई में जो 19-20 का फर्क है उसमें एवरेस्ट सबसे 20 है। अब इसके बाद चलते हैं पूर्व की ओर, तो पूर्व में देखिए कि इधर ये कुछ दर्रे हैं फुटकर, कंचनजंगा के बाद आप इधर आ जाइए। ये बुमला पास है, ला मतलब होता है दर्रा, और ये बोमडिला है, यहाँ पे डाफला दर्रा है, मतलब डाफला है या डाफ पास है। इसके बाद नामचा पर्वत श्रृंखला है, देखिए यहाँ पे है, इसकी हाइट देख रहे हैं 7756।
और यहाँ आप नीचे वाला देख लीजिए जो पूर्वांचल हिल्स के तौर पे देखा जाता है, तो उसमें गारो खासी जयंतिया, नागा हिल्स और पटकाई भूम का नाम आता है। मिजो श्रेणी ठीक नीचे है, वो यहाँ पर है। तो इस तरीके से हमने पर्वतों को देखा, और ये भी ध्यान दीजिएगा कि यहाँ नदियों को वैसे तो हमें नहीं देखना है, लेकिन ब्रह्मपुत्र को देख लीजिए, ये बाहर से आ रही है, तिब्बत के पठारी क्षेत्र से इसका उद्गम हुआ है और सांगपो के नाम से ये पूर्व की ओर बढ़ते बढ़ते अरुणाचल से भारत में प्रवेश करती है और अंदर इसे ब्रह्मपुत्र का स्वरूप प्राप्त होता है अन्य जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनके साथ मिलने के बाद, और अंत में ये गंगा के साथ मिलकर एक बड़े से डेल्टा का निर्माण करती है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरवन का डेल्टा। ठीक, तो इस तरीके से ये पूरा है। और इधर जो मैदानी इलाके हैं इसमें कुछ नदियों को आप जानते हैं, जैसे गंगा है, यमुना है, ये सब उत्तराखंड से निकलती है, गंगोत्री यमुनोत्री जो ग्लेशियर है वहाँ से। गंगा में हालांकि ये है कि जो गंगोत्री ग्लेशियर से मुख्य धारा निकलती है वो भागीरथी के नाम से जानी जाती है, अलकनंदा के साथ जब वो मिलकर अपने आकार को पूरा करती है तब जाकर गंगा का सृजन होता है। और हरिद्वार वाला जो मैदानी इलाका है उत्तराखंड का, या आप कह लीजिए कि वहाँ से पर्वत का ढलान खत्म होता है, तो वहाँ से ये मैदान में प्रवेश करती है और फिर मैदानी इलाके से बहती हुई ढाल की ओर प्रवाहित हो जाती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। उससे पहले ये ब्रह्मपुत्र को सपोर्ट करती है। यमुना आप जानते ही हैं कि ये यमुनोत्री ग्लेशियर जो है उससे निकली हुई है, और वहाँ से ये निकलकर सीधा गंगा को जाकर सपोर्ट करती है, और ये प्रयागराज में होता है। प्रयागराज में इन दोनों का आपस में मेल हो जाता है। ये घाघरा है, यहाँ गंडक है, नीचे से सोन नदी आ रही है पठारी क्षेत्र से, सोन और नर्मदा का जो उद्गम स्थल है वो एक ही है, अमरकंटक वाला क्षेत्र। कोसी नदी और गंडक यहाँ पे है, सदानीरा कहा जाता था गंडक को, जब आर्य अपनी पूरी फौज लेकर आग जलाते हुए जंगलों को ध्वंस करते हुए रास्ता बनाते हुए अपना पूरा परचम फहरा रहे थे, तो इस नदी के तट पर आकर इससे आगे नहीं बढ़ पाते हैं क्योंकि उनकी आग यहीं पर बुझ जाती है। ठीक है, तो ये गंडक नदी है। और कोसी को तो आप जानते ही हैं, इसकी अनिश्चित धाराएं बिहार वाले क्षेत्र में तहलका कर देती हैं, यानी जो बरसात का मौसम है उसमें अनिश्चितता इसके अंदर होती है, कब रास्ता बदलकर कौन से गांव में घुस जाए कहा नहीं जा सकता। तो ये कुल मिलाकर हमने नदियों को भी देख लिया है एक हद तक, नदियों को हालांकि विस्तार से भी देखेंगे। अब यहां आयु के आधार पर, वलयों की तीव्रता के आधार पर जो हिमालय का बंटवारा हमने कर रखा है उसमें चार प्रकार है। चार प्रकार में पहला आपका ट्रांस हिमालय है जो कि तिब्बत के क्षेत्र को कहा जाता है, तिब्बत का पूरा पठारी इलाका उसी में आ जाता है। इसके बाद बृहद हिमालय जो कि हिमालय का मुख्य भाग है और सबसे ऊंचा है, इसीलिए इसको महान हिमालय भी कहा जाता है। इसके बाद थोड़ा सा उससे तुलनात्मक रूप से नीचे का हिस्सा है मध्य हिमालय, यहाँ से ज़्यादातर नदियाँ और ग्लेशियरों की उपस्थिति यहाँ पर होती है। तो आप जानते ही हैं कि हिमालयन रिवर्स जो हैं वो ज़्यादातर ग्लेशियर से ही उत्पन्न होती या फिर किसी झील से निकलती, तो झील भी ज़्यादातर फ्रोजन ही होती है यानी जमी हुई अवस्था में होती है, तो कुल मिलाकर यहाँ से निकलती है, ये मध्य हिमालय। और बाह्य उप हिमालय, ये हिमालय का एकदम बाहरी हिस्सा है जो कि मैदानों से लगा हुआ है और ये शिवालिक ढलान आप इसे कह सकते हैं, या तराई रीजन भी इसी में आते हैं। तो इस तरीके से हमने चार हिस्से देखे। अब इसे और अच्छे से देखने की आवश्यकता है, तो आप देखिए इसके बारे में कुछ फुटकर जानकारियाँ। सभी श्रेणियों का उत्थान टर्शियरी काल के अलग अलग युगों में हुआ है। टर्शियरी काल जो है वो एक बड़ा समय अंतराल है, मतलब बीच में बहुत बड़ा एक टाइम आता है, तो उस टाइम में अलग अलग जो सेगमेंट है उसमें ये उठकर खड़ा हुआ है। कोई भी पर्वत या कोई भी प्राकृतिक संरचना बनने में समय लगता है, प्रकृति परिवर्तन करती है तो एक झटके में नहीं करती है, धीरे धीरे होता है और अभी भी ये जारी है, ऐसा नहीं कि परिवर्तन कहीं से रुक गया है। तो टर्शियरी काल के अलग अलग सेगमेंट में, अलग अलग भागों में हिमालय बनकर खड़ा हुआ, और हिमालय के उत्तरी भाग में नवीनतम श्रृंखला को महान हिमालय या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री भी उसी को कहा जाता है। ठीक है, हिमाद्री जो शब्द है वो भी उसी महान हिमालय वाले हिस्से के लिए इस्तेमाल होता है, और ये सबसे ज़्यादा सतत श्रृंखला है और सबसे नई है। जैसे एक युवा का शरीर सुदृढ़ और मजबूत होता है, हट्टा कट्टा होता है आमतौर पे अगर कोई रोग नहीं है तो बिल्कुल वैसा ही ये बृहद हिमालय है, बिल्कुल हट्टा कट्टा और युवा। हालांकि चीन इसके ऊपर हमेशा कुछ न कुछ अपने कारनामे किया करता है, हिमालय को हमसे ज़्यादा नुकसान चीन पहुंचाता है और जितने भी हिमालय के आसपास के बसे हुए लोग हैं वो किसी न किसी माध्यम से इसे क्षति पहुंचा रहे हैं। ठीक, तो 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे पर्वत शिखर यहीं पर पाए जाते हैं, मतलब औसत ऊंचाई दी हुई है, आप ये मत समझिएगा कि 6000 मीटर ये सिर्फ एक पर्वत चोटी की ऊंचाई है, एक एवरेज निकाला गया है। तो एवरेज हाइट इतनी है तो आप सोच सकते हैं कि जो मैक्सिमम है वो कितनी हो सकती है। महान हिमालय में वलय की प्रक्रिया या प्रकृति जो है वो असममित है, यानी कुछ भी उसमें सिमेट्रिकल नहीं दिखाई देता है, कहीं भी कुछ ऐसा नहीं है जिसमें कि आपस में मैच कर सके, तो ये आपने देखा। और हिमालय के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट का बना हुआ है, और ग्रेनाइट का बना है इसका मतलब क्या है कि वो बेहद ही सुदृढ़ है, तो ऊपर से तो भले ही दृढ़ है लेकिन अंदर से उसमें अभी भी बनावट या निर्माण कार्य जारी है। तो जो चीज़ अभी बन रही होती है जिसमें अभी विकास रुका नहीं होता है तो वो अस्थिर होती है, उसमें अभी स्थिरता नहीं होती, तो हिमालयी क्षेत्र भी इसी प्रकार से अस्थिर है और हमेशा ये बर्फ से ढका रहता है। बहुत सारी हिमानियाँ यहाँ से निकलती हैं और हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ हैं वो सतत वाहिनी होती हैं, जब तक उनका स्रोत जिंदा रहेगा तब तक वो जिंदा रहेंगी, और स्रोत उनका आमतौर पे अगर देखा जाए तो कोई हिमानी या कोई जमी हुई बर्फ की सिल्ली होती है जिसे कि आप ग्लेशियर कहते हैं। अब महान हिमालय के दक्षिण में स्थित श्रृंखलाओं को लघु हिमालय या मध्य हिमालय कहा जाता है, और इसका निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित और परिवर्तित शैलों से हुआ है। इसका मतलब है कि जब वलन पड़ रहे थे तो दबाव यहाँ पर ज़्यादा था,
ठीक है, और दबाव ज्यादा होगा तो चौड़ाई कम हो जाएगी और ऊंचाई में वृद्धि हो जाएगी, ये एक उसके पीछे फैक्ट। मध्य हिमालय में पीर पंजाल श्रेणी सबसे लंबी है और धौलाधर महाभारत की श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण है। इसी श्रृंखला में जो कश्मीर की घाटी और हिमाचल के कांगड़ा और कुल्लू की घाटियां हैं वो सब आती हैं। हिमालय का सबसे बाहरी जो हिस्सा है या बाहरी श्रृंखला आप कह लीजिए पूरी, तो उसमें शिवालिक आता है, तराई रीजन और सब जो बाहर के क्षेत्र हैं वो इसमें कवर हो जाते हैं। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई जो असंपीड़ित अवसाद है, मतलब नदियां जहां से बहती हैं, कुछ तो पूर्ववर्ती नदियां हैं। तो पूर्ववर्ती नदियों का मतलब ये होता है कि जब हिमालय नहीं बना था, जब वहाँ उत्थान नहीं हुआ था, तब से वो वहाँ पर हैं नदियाँ। जब पर्वत उठने लगा तो धीरे धीरे करके ऊंचाई बढ़ी, ये नहीं कि रातों रात खड़ा हो गया। तो जब ऊंचाई बढ़ने लगी तो नदियों ने भी वहाँ से बह के निकलने की जिद ठान ली, तो वो पर्वत को काटती गई। जैसे जैसे पर्वत बन गया उसमें वो रास्ता बनाती गई और रास्ता बनाकर पर्वत को चीर कर वो उस पार से इस पार आ गई। तो इस तरीके से उन्होंने रास्ता तैयार किया, तो जो बीच के अवसाद थे उनको ये अपने साथ बहा कर ले आई और इस प्रकार से बना है शिवालिक। तो ये आप समझ सकते हैं। इसके बाद आगे चले देखिए, और कुछ असंपीड़ित अवसाद भी हैं जो कि संपीड़ित नहीं हो पाए, मतलब सिकुड़ नहीं पाए, तो वो रह गए। निम्न हिमालय यानी लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में लंबवत घाटियां पाई जाती हैं। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा कि जो लंबवत घाटियां पाई जाती हैं ये किसके बीच में है, निम्न हिमालय यानी जिसे हम लघु हिमालय कहते हैं और शिवालिक, उसके बीच में पाई जाती हैं। और इन्हीं को कहा जाता है दून, तो इसमें आप एक पढ़ते हैं देहरादून, तो देहरा उस जगह का नाम है और दून उसकी संरचना का नाम है। और कुछ दूनों के नाम और भी हैं, जैसे कि पाटली दून है, कोटली दून है, देहरादून आप जानते ही। अब आगे चलते हैं, अगर आपको हमारे पेड कोर्सेज ज्वाइन करने हैं तो आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो तो आप देख ही रहे हैं। देखिए, शिवालिक क्षेत्र में गिरिपद क्षेत्र है, मतलब गिरिपद का तात्पर्य होता है कि गिरि अर्थात पर्वत और पद मतलब पैर, तो ये पर्वत का पैर है यानी निचला हिस्सा है। और इसके पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तीस्ता तक जो पूरा समतल मैदान फैला हुआ है, ध्यान से देखिएगा विस्तार, सिंधु के पूर्व में, माफ कीजिए, पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तीस्ता के बीच में, यानी पश्चिम में सिंधु नदी है, पूर्व में तीस्ता है, उनके बीच में जो समतल मैदान फैला हुआ है उसको कहा जाता है भाबर। और सामान्य रूप से ये 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी हिमालयी नदियों द्वारा अचानक ढाल भंग होने के कारण बनाया जाता है। और भंग होता है जब ढाल, तो होता क्या है कि जो अग्र क्षेत्र है वहाँ पे कंकड़ और बजरी का जमाव हो जाता है, जो कि पर्वत के ही छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। ठीक है, और वो जमा होते हैं तो उससे ये मेखला तैयार होती है और ये मैदान तैयार होता है, जिसे कि हम भाबर कह रहे हैं। और सीधी बात है कि इस पर पानी अगर चलेगा, मतलब पानी प्रवाहित होगा, तो वो टिकेगा नहीं, धरती उसको अंदर सोख लेगी और ऊपर कुछ नहीं बचेगा। भाबर मैदान की चौड़ाई पूर्व में कम है लेकिन पश्चिम में ज़्यादा पाई जाती है। और दक्षिण में 15 से 30 किलोमीटर चौड़ा ये दलदली क्षेत्र है, जिसे कि तराई कहा जाता है। पानी यहाँ जाकर अंदर घुस जाता है, जमीन के अंदर चला जाता है, तो जमीन हमेशा तर रहती है, इसीलिए इसका नाम है तराई। नमी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और इसीलिए जैव विविधता भी बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा मलेरिया और डेंगू जैसे जो मच्छर के प्रकोप हैं, मतलब ये मलेरिया परजीवी और डेंगू का जो परजीवी है मच्छरों के शरीर पर रहता है, आप जानते हैं, तो वो मच्छरों का प्रकोप भी इस एरिया में ज़्यादा होता है। अब महान हिमालय के उत्तर में ट्रांस हिमालय है, ये आपने देखा है पीछे, पामीर नॉट, ये तिब्बत वाले हिस्से में है, ये ट्रांस हिमालय का ही भाग है, ध्यान दीजिएगा, ये कुछ और नहीं है, ये ट्रांस हिमालय का ही हिस्सा है। काराकोरम पर्वत श्रेणी ये ट्रांस हिमालय का ही भाग है। कुछ लोग जो है वो पामीर नॉट को कुछ अलग समझ लेते हैं, लेकिन वो असल में हिमालय से ही लिंक है। और हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर ही बांटा जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखें तो दो नदियों का यहाँ उल्लेख किया गया है, एक तो है सतलज, दूसरी सिंधु। इनके बीच में हिमालय का जो हिस्सा पड़ता है, ये इसमें कन्फ्यूजन होता है, इसको ध्यान दीजिएगा, सतलज और सिंधु के बीच में जो हिमालय का हिस्सा पड़ता है उसको हम कहते हैं पंजाब हिमालय। ये प्रादेशिक नाम, प्रादेशिक आधार पर रखे गए नाम है। और पश्चिम से पूर्व तक के क्रम में कश्मीर तथा हिमाचल, ये आप देख रहे हैं, इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तो पहला हो गया कि सतलज से सिंधु के बीच में क्या कहते हैं। सतलज और काली के बीच का क्षेत्र, सतलज और सिंधु, सबसे पश्चिम में सिंधु हो गई, उसके बाद सतलज है, इसके बीच का तो हमने पंजाब हिमालय देख लिया, या उसी को हिमाचल या कश्मीर हिमालय कह लिया। उसके बाद सतलज और काली रिवर जो है उनके बीच का एरिया ये वाला जो है, इसको हम लोग कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। और उसके बाद काली से लेकर तीस्ता तक के बीच वाला जो क्षेत्र है उसको नेपाल हिमालय कहा जाता है। ये क्षेत्रीयता के आधार पर रखे गए नाम है, ताकि हम आसानी से इसे डिवाइड करके पढ़ सकें। और ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा है, मतलब वो एकदम पूर्वी छोर है, और सिंधु जो है वो पश्चिमी, एकदम छोर तो नहीं कह सकते लेकिन हाँ पश्चिमी हिस्सा है। अब आगे चलते हैं, बिहांग महाखड्ड, जिसे कि आप गार्ज कहते हैं, महाखड्ड मतलब बहुत बड़ा गड्ढा, खड्ढा जो होता है वो खाई जैसा होता है, और महाशब्द लग गया यानी उसका आकार बहुत बड़ा है, तो ये गार्ज कहलाता है अंग्रेजी में और भौगोलिक भाषा में। इसके बाद हिमालय दक्षिण की ओर तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा तक फैला हुआ है। वहाँ जो मोड़ है वो बड़ा सकरा और तीखा है। पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों के नाम से इन क्षेत्र को जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं। तो पूर्वांचल की पहाड़ियों में कौन कौन सी आती हैं ये आपको अनिवार्य रूप से मालूम होना चाहिए। देखिए, इसमें पटकाई, नागा और मिजो, इसके अलावा मणिपुर की पहाड़ियाँ आती हैं। ये पूर्वांचल हिल्स हैं, इनके नाम आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। पूर्वी हिमालय की पहाड़ियाँ ज़्यादातर समानांतर श्रृंखलाओं में या फिर घाटियों के स्वरूप में फैली हुई हैं।
अब उत्तर की ओर क्रमशः लघु या मध्य हिमालय और महान हिमालय आते हैं। भारत में सबसे नवीनतम पर्वत है या नवीन पर्वत श्रेणी है शिवालिक, जो कि वलित पर्वत का उदाहरण है। तो पूरा हिमालय ही वलित पर्वत है, तो शिवालिक उससे अलग तो है नहीं। अब जम्मू कश्मीर की पर्वत श्रेणियों को देखिए, तो काराकोरम श्रेणी है, लद्दाख है, जास्कर है और पीर पंजाल है। मूल रूप से यही चार है। अब यहाँ से थोड़ा मोड चेंज हो जाता है। यहाँ तक हमने पूर्वी और उत्तरी हिस्से को देखा है, पश्चिमी, पूर्वी और उत्तरी कुल मिलाकर देखा है। अब देखिए, धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण और भ्रंशन से हुआ है। ये क्रम है चट्टानों का, ऐसा नहीं है कि किसी एक काल में उनका विकास हो गया। क्रमिक तौर पे वो बनी, पूरा उनका डेवलपमेंट हुआ, एकदम से अपनी चरम अवस्था में पहुंची और उसके बाद धीरे धीरे उनका अपरदन और क्षरण होता गया, जो जलवायविक कारक हैं और प्राकृतिक कारक हैं। तो उनका आकार घिसता गया, छोटा होता गया। तो ये क्रम चलता रहता है। हिमालय भी कभी ना कभी घिसेगा अगर बना रहा, मनुष्य ने उसे पहले ही काट नहीं दिया तो अलग बात। ठीक है, आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण तथा भ्रंशन से इसका निर्माण हुआ है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें और कुछ नहीं। ये शिलाएं बहुत ज़्यादा धात्विक हैं, इसमें धातुओं की तादाद बहुत ज़्यादा है, मतलब धातु के अयस्क इसमें बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसे कि मूल्यवान धातुएं हैं और उपयोगी धातुएं हैं। सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा, इस तरह के खनिज प्राप्त होते हैं। कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। ये क्रम से है, सबसे पहले इसमें आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, उनका रूपांतरण हुआ तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें बनी और धारवाड़ के बाद विकसित हुई है कुडप्पा। और विंध्यम क्रम, यहाँ आप देख रहे हैं, विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। तो ये पूछा जा सकता है कि क्रम कौन सा है, पहले कौन सी बनी, बाद में कौन सी बनी, तो आप इसे क्रम से देखिएगा। और ये जो विंध्य क्रम की चट्टानें हैं, इसमें मतलब विंध्याचल पर्वतमालाएं, इसमें चूने का पत्थर यानी चूना पत्थर, बलुआ पत्थर मतलब लाइम स्टोन और सैंड स्टोन की बात हो रही है, चुनार का बलुआ पत्थर, उसी से अशोक स्तंभ, अशोक की लाट बनी हुई है, आप जानते ही हैं, चीनी मिट्टी और वर्ण मिट्टी यहाँ से प्राप्त होती है। विंध्य क्रम की चट्टानों में सबसे ज़्यादा, या आप कह लीजिए कि काफ़ी समय बाद, गोंडवाना क्रम की चट्टानें बनी। विंध्य क्रम की चट्टान जो है वो बन गई उसके बहुत समय बाद, बीच में एक लंबा गैप आया, फिर से एक बार चट्टानों का विकास हुआ, तो ये गोंडवाना क्रम की चट्टानें बनी। और भारत में जो कोयले के भंडार पाए जाते हैं, कोयले के डिपॉजिट पाए जाते हैं, वो ज़्यादातर गोंडवाना क्षेत्र से ही पाए जाते हैं। इस क्षेत्र का कोयला उच्च श्रेणी का होता है, काफ़ी अच्छा कोयला होता है। यहाँ सर्वाधिक बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है, ये पूछा जाता है, इसमें से एक एक लाइन जो है वो महत्वपूर्ण है, वहाँ से प्रश्न बन सकता है। और सल्फर की मात्रा इसमें न्यून होती है, सारे प्रश्न के ही माध्यम है, पूछा जा सकता है कि किस प्रकार के कोयले में सल्फर सबसे कम पाया जाता है और कौन वाले क्रम की चट्टानों में किस तरह का कोयला मिलता है। कोयले के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। अच्छा, दक्षिण से उत्तर की ओर अगर हम चलें तो क्रमशः धौलाधर, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम पाए जाते हैं। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियाँ ट्रांस हिमालय क्षेत्र से संबंधित हैं और धौलाधर का अगर हम देखें तो पर्वत श्रृंखला लघु या मध्य हिमालय श्रेणी में स्थित है। तो पर्वत श्रृंखला कौन सी कहाँ है ये आप देख लीजिए। दक्षिण से उत्तर दिशा में स्थित अगर देखा जाए, क्रम से अगर चला जाए दक्षिण से उत्तर की ओर, तो पर्वत श्रेणियाँ जो हमें मिलेंगी, सबसे दक्षिण में पीर पंजाल, उसके बाद जास्कर, उसके बाद लद्दाख श्रृंखला, उसके बाद काराकोरम, पीर पंजाल उसके बाद में आती है। पीर पंजाल जो है ये मध्य हिमालय क्षेत्र में स्थित है, तो इसकी लोकेशन आपने देखी। पटकाई पहाड़ियों को आप देख रहे हैं, पटकाई बूम, नागा हिल्स, ये अलग अलग नाम है। तो पटकाई बूम किधर है, ये पूर्वोत्तर वाला हिस्सा है, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड से ये संलग्न है। पटकाई पहाड़ियों का जो यहाँ अटैचमेंट है उसे ध्यान दीजिएगा, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, इनसे इनकी संलग्नता है। मिजो पहाड़ियाँ त्रिपुरा से संलग्न है और पीर पंजाल श्रेणी मध्य हिमालय में अवस्थित है, आप पीछे ही देख चुके हैं, हिमाचल और जम्मू कश्मीर राज्यों में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम तक इसका विस्तार पाया जाता है। अक्साई चीन, जिस पर कि चीन ने जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है, वो हमारा ही लद्दाख है तत्काल का, और उसमें अक्साई चीन की जो अवस्थिति है, भारत, चीन और पाकिस्तान की सीमाओं की सम्मिलन संधि स्थल पर वो पाई जाती है, मतलब एक तरफ से चीन है एक तरफ से पाकिस्तान है, बीच में हम उसमें अटके हुए हैं। और इस भारतीय भूभाग पर 1962 का जो चीन का जबरदस्ती का कब्जा था, उसके बाद से ये विवाद का क्षेत्र है, चीन इस पर अपना दावा करता है और लद्दाख का पठार ये अक्साई चीन क्षेत्र में ही आता है। तो चीन हमारे हिस्सों पर कब्जा करने की फिराक में रहता है, खासतौर पे उसकी अच्छी निगाह इस समय अरुणाचल पर पड़ी हुई है, अरुणाचल पर वो अपना दावा कर रहा है और चोरी छिपे बस्तियां भी बसा चुका है कई जगह पे। तो इस तरह की स्थितियां हैं और आए दिन हमारी नदियों पर और हमारे दर्रों पर अपना अधिकार दिखाता रहता है और बाकी पड़ोसियों को भी उकसाता रहता है कि दावा करो। अभी नेपाल ने जो विवादित मानचित्र जारी किया था उसमें भी उसी का हाथ था। तो ये चीज़ें आप देख रहे हैं। अब पश्चिमी हिमालय संसाधन जो है उसमें प्रमुख संसाधन वन के तौर पे देखे जाते हैं, 65% हिस्सा जो है उस पे वन पाए जाते हैं। मध्य और लघु हिमालय श्रेणी को महाभारत श्रेणी या हिमाचल के हिमालय के नाम से जाना जाता है। अब भारत के हिमालयी राज्य कौन कौन से हैं, तो ज़्यादातर को आप जानते ही हैं, देख लीजिए इसमें हिमालय का विस्तार कहाँ कहाँ तक है। जम्मू कश्मीर है, ये हिमालयी राज्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है, राज्य नहीं है बल्कि केंद्रशासित प्रदेश है। तो इसमें हम राज्य और केंद्रशासित प्रदेश के तौर पर बांट के नहीं पढ़ रहे हैं, कुल मिलाकर हमारे कौन कौन से इसमें प्रांत आते हैं।
तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। इसके अलावा असम और पश्चिम बंगाल के जो पहाड़ी क्षेत्र है वो भी इसी में जोड़कर देखे जाते हैं। हिमालय का 5 से ज्यादा राज्यों में विस्तार है। हिमालय जो है वो 5 से अधिक राज्यों में फैला हुआ है। पश्चिमी घाट गुजरात, अब यहाँ देखिए कि जो दक्कन का प्लेटू है जो कि पुराना है, हिमालय से ज्यादा पुराना है, शुरुआती वही है, तो वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है ऐसा माना जाता है और वो सत्य है। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट असल में क्या है, बीच में पठार की स्थिति ऊंची है, त्रिभुजाकार पठार है तो बीच में वो ऊंचा है और दोनों ओर समुद्र का जो हिस्सा है हिंद महासागर उधर ढाल है, पश्चिम की तरफ भी और पूर्व की तरफ भी। पश्चिम वाला ढाल थोड़ा खड़ा है और पूर्व वाला ढाल कटा फटा और थोड़ा कम ढलान वाला है। तो ये जो ढलान है इसको घाट का नाम दिया गया है, तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। तो यहाँ ये बताया गया कि पश्चिमी घाट, नीचे वाली संरचना को आप देखें, ये वाली, तो जो पश्चिमी घाट है इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्य, ये इसमें कवर होते हैं और इसका विस्तार 6 राज्यों में है। 6 राज्यों के नाम आपने देख ही लिए। इसके साथ ये भी बताया गया है कि पुलिकट भारत की दूसरी सबसे बड़ी, मतलब झील के तौर पे बताया जा रहा है, तो पुलिकट झील जो है वो भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून है। लैगून झील का ही एक प्रकार होता है जो कि समुद्र के सहयोग से बनता है, तो चिल्का इसमें पहले स्थान पे। और इसका विस्तार तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, 2 राज्यों में ये फैली हुई है। तो इसे आपने देखा। अब आइए भौतिक विज्ञान में घुस जाते हैं। इसके कुछ पार्ट्स को हमने पीछे कवर किया है। यहाँ हम ये देखेंगे कि एनर्जी क्या होती है। हमने पढ़ा था कि भौतिक विज्ञान 2 ही चीज़ों के सहारे चलता है, इनफैक्ट पूरी सृष्टि 2 ही चीज़ों के सहारे चलती है, एनर्जी और मैटर, यानी द्रव्यमान और ऊर्जा, या आप कह लीजिए कि पदार्थ और ऊर्जा। तो ऊर्जा अगर नहीं रहेगी तो पदार्थ का संचालन और पदार्थ के अलग अलग संगठन नहीं बन पाएंगे। तो ऊर्जा है क्या? किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। ऊर्जा के बहुत सारे रूप हो सकते हैं लेकिन मूल रूप से कार्य करने की क्षमता से इसको दर्शाया जाता है। तो ऊर्जा की वैरायटी में यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, इस तरह की अनेकों ऊर्जा के प्रकार हो सकते हैं। ये अदिश राशि है, इसमें कौन सी दिशा हम देखेंगे, और इसका मात्रक जूल होता है, वही मात्रक होता है जो कि कार्य का होता है, इसीलिए विमाएं भी आपस में बराबर होती हैं। तो यांत्रिक ऊर्जा को देखिए, मैकेनिकल एनर्जी जिसे आप कहते हैं, किसी पिंड को कुछ यांत्रिक कार्य करने की क्षमता जो ऊर्जा दे उसे हम कहते हैं मोटे तौर पे यांत्रिक ऊर्जा। ये 2 प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, इसे आपने पढ़ा होगा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। और अगर हमें कुल यांत्रिक ऊर्जा यानी टोटल मैकेनिकल एनर्जी को कैलकुलेट करना है तो हमें दोनों का परिणामी यानी जो रिजल्टेंट है वो निकालना पड़ेगा। तो दोनों को जोड़ दीजिए, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, हमें कुल यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। तो ये है गतिज ऊर्जा क्या होती है, ये जानना आवश्यक है। तो नाम से यहाँ सारी चीज़ें स्पष्ट है। गतिज ऊर्जा यानी जो गति से जन्मी हो, गतिज, गति और ज, ज मतलब जन्म लेने वाला, तो जो गति के कारण उत्पन्न हुई हो या गति से उसका जन्म हुआ हो उसे कहेंगे गति ऊर्जा या गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो वस्तु की गति के कारण ये होती है। और किसी वस्तु का द्रव्यमान अगर यम किलोग्राम है, ध्यान दीजिएगा द्रव्यमान यम किलोग्राम है, चाल उसकी वी मीटर पर सेकेंड है, तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है यानी काइनेटिक एनर्जी है, के ई से इसको यहाँ डिनोट किया, वो होती है 1/2 mv² यानी 1/2 द्रव्यमान गुणे वेग का वर्ग या चाल का वर्ग। गतिज ऊर्जा भी एक अदिश राशि है। ऊर्जा किसी भी प्रकार में हो, मतलब किसी भी स्वरूप में हो, वो अदिश ही रहेगी। किसी पिंड की गतिज ऊर्जा, यहाँ कुछ काम की बात है जिससे कि प्रश्न बन सकता है, तो किसी पिंड की गतिज ऊर्जा उस पिंड द्वारा किए गए कार्य की माप होती है और वह अपनी गति के कारण इस चीज़ को कर सकता है, गति के कारण कर सकता है, ये ध्यान दीजिएगा। इस धारणा का अंतर्ज्ञान बहुत पीछे, जो पिछला समय है वहाँ से है, परिभाषा बाद में भले ही आई है। तीव्र गति से बहने वाली जल की धारा, गतिज ऊर्जा का उपयोग ये अनाज पीसने के लिए हम लोग कर सकते हैं और भी तमाम है। वैसे अगर प्राकृतिक उपयोग आप देखें तो नदियों की जो जल धारा है वो बहुत तेज होती है। जब पर्वत की ढलान पर से नदियां नीचे उतरती हैं तो उनका प्रवाह बहुत तीव्र होता है, तो ऐसे में तीव्र प्रवाह से चट्टानों में रगड़ उत्पन्न होती है, वो बहता हुआ पानी चट्टानों को घिसते हुए जाता है। तो जो आप नदियों में इकट्ठा बालू देखते हैं ना, वो कहीं और से नहीं आया है, वो पत्थर को ही घिसने से तैयार हुआ पाउडर है, चूर्ण। ठीक है, तो ये गतिज ऊर्जा की वजह से ही संभव हो पाया है। पानी के अंदर जो गतिज ऊर्जा थी, उसकी गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा थी, उसने वो चीज़ तैयार की। या नदियों के द्वारा जो अवसाद बहाकर ले आया जाता है उसमें भी यही काम होता है। तो ये एक प्राकृतिक उदाहरण है। अब यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा की बात की जा रही है, तो स्थितिज ऊर्जा में आप देखिए कि स्थिति के कारण जो ऊर्जा संचित हो किसी वस्तु में या निहित हो उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। और इसमें यह भी है कि यदि कोई वस्तु किसी बल के अंतर्गत एक स्थिति से दूसरी स्थिति में लाई जाती है तो उस दौरान जो काम करना पड़ता है वो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। मतलब ये है कि उसे चलायमान रखा गया था लेकिन तत्काल में वो चलायमान नहीं है, मतलब एक स्थान पर रखी हुई थी, वहाँ से उठाकर आपने उसे दूसरी जगह पे रख दिया। या एक मेज खड़ा था कमरे के बीच में और वो बीच में अच्छा नहीं लग रहा था, उसका इंटीरियर बढ़िया नहीं लग रहा था, तो आप चाहते हैं कि वो कोने में रख दिया जाए, तो आपने उसको हल्का सा पुश किया, ठेल कर वहाँ कोने तक पहुँचा दिया, तो कमरे के बीचों बीच से वो कमरे के कोने तक चला गया। तो इसमें क्या है, आपने उसकी स्थिति बदल दी। तो स्थिति बदलने के कारण जो यहाँ पे ऊर्जा उत्पन्न हुई है, पहली स्थिति से दूसरी स्थिति में जाने में जो कार्य करना पड़ा उसकी स्थिति को बदलने के लिए, वो यहाँ स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हुआ है।
सूत्र इसका सिंपल है, MGH होता है PE यानी पोटेंशियल एनर्जी बराबर MGH, M यहाँ पे द्रव्यमान है, G गुरुत्वीय त्वरण है और H यहाँ पर ऊंचाई होती है। तो इस तरीके से हम इसे नापते हैं। और स्थितिज ऊर्जा के बहुत सारे स्वरूप होते हैं, उदाहरण के तौर पे प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा होती है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है और वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है, ये सब प्रकार है। किसी पिंड के संवेग को उसकी संगति यानी उसमें जो द्रव्यमान है यानी m स्मॉल m तथा वेग v के गुणनफल के द्वारा परिभाषित किया जाता है और इसे स्मॉल p से व्यक्त करते हैं, मोमेंटम कहते हैं वैसे अंग्रेजी में। और p के बराबर यहाँ सूत्र अगर आप लिखें तो m इंटू v हो जाएगा, यानी p इज इक्वल टू एम वी, सीधे आप लिखते हैं। स्पष्ट रूप से संवेग एक सदिश राशि है, इसमें अगर आपको निरूपण करना है तो दिशा की आवश्यकता पड़ेगी और दैनिक जीवन में हम इसका अनुभव भी करते हैं। पिंडों की गतियों पर बलों का प्रभाव जब हम देखते हैं तो उसमें हमें संवेग के महत्व का पता चलता है। और संवेग की दिशा वेग की ही दिशा होती है, जिधर कोई वस्तु गतिमान है, जिधर वो अपना गति कर रही है या वेग उस पर काम कर रहा है, तो उसी दिशा में त्वरण भी काम करेगा और संवेग भी काम करेगा। और ये भी सत्य है कि जब वेग रहेगा तभी संवेग रहेगा, इसीलिए प्रत्येक गतिमान वस्तु में संवेग होता है। इसका SI मात्रक होता है किग्रा मीटर प्रति सेकंड। कैसे निकाला, तो यहाँ द्रव्यमान का मात्रक हो गया किलोग्राम और वेग यहाँ गुणन फल का निशान है यानी गुणे का निशान लगा लिया। वेग का आपका जो मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड होता है, तो यहाँ मीटर पर सेकंड लिख लिया, तो ये बन गया किग्रा मीटर पर सेकंड। ये इसका सामान्य SI मात्रक होता है जिसे आपने देखा। याद रखिएगा ये एक सदिश राशि, समान समय के लिए लगाया गया समान बल, ये परिभाषा के तौर पे आप देख रहे हैं, विभिन्न पिंडों में समान संवेग परिवर्तन करता है। अगर समान समय में समान बल लगाया जा रहा है तो उसके लिए जो संवेग परिवर्तन की दर है वो भी एक समान होगी। यह गति के द्वितीय नियम का प्रामाणिक और मार्गदर्शक सिद्धांत है। गति के तीन नियम आपने पढ़े हैं, उसमें से द्वितीय नियम को यह पुष्ट करता है। और किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है। इसका मतलब यह है कि जितना ज़्यादा आप बल लगाएंगे उतना ही ज़्यादा संवेग में परिवर्तन आएगा यानी संवेग में वृद्धि होगी। सीधी बात है कि अगर आप बल की मात्रा बढ़ा रहे हैं तो वेग बढ़ जाएगा। किसी चीज़ को आप ठेल कर गतिमान बनाए हुए हैं और आप जोर से धक्का दें यानी उस पर बल की मात्रा को बढ़ा दें तो उसकी रफ्तार बढ़ जाएगी। एक ठेला गाड़ी पर आप पुश करके देखिए, तो जब आप वेग बढ़ाएंगे तो संवेग अपने आप बढ़ जाएगा। अब यहाँ एक चीज़ और है कि उसी दिशा में ये काम करेगा जिस दिशा में बल काम करता है, तो ये हमने कई बार पढ़ लिया है। अब यहाँ एक उदाहरण दिया गया है कि मान लीजिए एक कम भार का वाहन जैसे कि छोटी कार है और एक अधिक भार का वाहन है जैसे कि कोई सामान लदा हुआ ट्रक है, तो दोनों को क्षैतिज सड़क पर गति करानी है, मतलब दोनों क्षैतिज सड़क पर खड़े हैं। अब भली भांति लोगों को पता है कि सामान्य समय अंतराल में दोनों वाहनों को समान गति से या समान चाल से गति कराने में कार की तुलना में ट्रक को धकेलने के लिए ज़्यादा बल की आवश्यकता होगी। जो भारी है, जो ज़्यादा बड़ा है आकार में, उसको अगर आप गतिमान करना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। तो समान समय अंतराल में दोनों पिंडों को रोकने में हल्के पिंड की तुलना में भारी पिंड में अपेक्षाकृत अधिक परिमाण में विरोधी बल लगाने की आवश्यकता होगी, यानी उतना ही पावरफुल ब्रेक भी उसमें लगाना पड़ेगा। जितना आपको चलाने में शक्ति अपनी लगानी पड़ी, अपना बल लगाना पड़ा, उतना ही उसे रोकने में भी लगाना पड़ेगा। तो यदि दो, यहाँ पत्थरों का उदाहरण ले लिया गया, देखिए दो पत्थर, एक हल्का और दूसरा भारी, एक ही भवन के शिखर से गिराए जाते हैं तो धरती पर खड़े किसी व्यक्ति के लिए भारी पत्थर की तुलना में हल्के पत्थर को लपकना आसान होता है, क्योंकि उसे गिराने में भी कम बल की आवश्यकता पड़ी तो रोकने में भी कम बल की आवश्यकता पड़ेगी उसके साइज के हिसाब से। तो जिसको रोकने में कम बल की आवश्यकता होगी उसको पकड़ना आसान होगा, और भारी है तो फिर उसे पकड़ने में भी उतना ही विरोधी बल लगाना पड़ेगा। पिंड की संगति का यह महत्वपूर्ण प्राचल है जो कि गति के प्रभाव को निर्धारित करता है। तो ये हमने व्यवहारिक एग्जाम्पल देखा। संवेग परिवर्तन भी होता है और संवेग का संरक्षण भी होता है। कैसे होता है, तो किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, यहाँ ध्यान दीजिएगा, वस्तु पर लगे बाह्य बल के समानुपाती होती है। संवेग में परिवर्तन सदैव बल की दिशा में ही होता है और यह न्यूटन के गति के द्वितीय नियम का ही एक अन्य रूप है। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम आपने पढ़ा है, F इज इक्वल टू एम इंटू ए, F यहाँ पे क्या है, फोर्स है, और m और a आप जानते हैं द्रव्यमान और त्वरण है। तो ये न्यूटन का द्वितीय नियम है और उसी को ये पुष्ट करता है। संवेग संरक्षण के नियम में वही है जैसे ऊर्जा संरक्षण का नियम और द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है, तो वही कॉन्सेप्ट है। बस यहाँ इसके संदर्भ में है कि दो या दो से अधिक पिंडों के समुदाय पर कोई बाह्य बल अगर नहीं काम कर रहा है तो समुदाय का संयुक्त संवेग स्थिर बना रहता है। अगर कोई बाहरी बल ही नहीं काम कर रहा है तो संयुक्त संवेग स्थिर तो रहेगा ही, उसमें परिवर्तन करने के लिए हमें बाहर से बल लगाना पड़ेगा, और यही स्थिति है संवेग संरक्षण की। तब तक उसका संवेग जो है वो संरक्षित रहता है। ऊर्जा संरक्षण के नियम को आप देखेंगे तो ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल इसे एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है। बस यही है इसकी संरक्षण का नियम, चाहे वो किसी भी ऊर्जा का स्वरूप हो, इसे हमने पीछे भी देखा है। और पर्यावरण वाले हिस्से में, यानी जो पर्यावरण का वीडियो लेक्चर था इसी श्रृंखला में, उसमें ये बताया भी गया था, जो ऊर्जा पिरामिड हमने देखा था उसमें देखा कि 10% रूल अप्लाई हो रहा था, यानी नीचे वाले स्तर से जब ऊपर वाले स्तर में ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा था तो ऊर्जा में बेहिसाब कमी आ रही थी, 900 से सीधा 90 और 90 से सीधा 9, इस तरह से कैलोरी में ऊर्जा दिखाई दे रही थी।
तो वो सारी ऊर्जा कहाँ जा रही थी, नष्ट हो जा रही थी? नहीं, ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता, वो सिर्फ ऊष्मीय ऊर्जा में बर्बाद हो जा रही थी। ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में उसका रूपांतरण हो रहा था, कुछ ऊर्जा को मेटाबॉलिज्म में स्टोर कर लिया जा रहा था तो रासायनिक ऊर्जा बन जा रही थी, बाकी सब जो है वो खप जा रही थी। ठीक है, तो इस तरीके से होता है, ऊर्जा का सिर्फ रूप स्थानांतरण होता है। यही हाल ऊष्मा का भी होता है, ऊष्मा भी एक ऊर्जा है। संघट्ट को आप देख रहे हैं, उसके बाद आयोग जो आवेग है उसको देखेंगे। तो देखिए, संघट यानी कोलाइजन, संघट का मतलब क्या होता है? टकराव। संघट एक संस्कृत का शब्द है, टकराव उसका हिंदी रूपांतरण है। तो टक्कर होती है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, अन्योन क्रिया होती है, अन्योन क्रिया का मतलब एक दूसरे के ऊपर वो क्रिया करते हैं, चूंकि एक दूसरे से टकरा रहे हैं तो उसमें जो क्रिया प्रतिक्रिया का बल है वो भी अप्लाई होगा, और उनके बीच में एक शक्तिशाली बल थोड़े समय के लिए काम करता है, क्योंकि कोई भी टक्कर स्थायी नहीं होती। ऐसा नहीं कि वो दो घंटे तक बैठ के टकरा रहे हैं, एक बार टकराएंगे जोर से टकराएंगे। ठीक है, तो इस तरह की टक्कर जो है वो अल्पकाल के लिए होती है, लेकिन इसमें प्रचंड ऊर्जा वहाँ से निकलती है। दो पिंडों के बीच में अगर टकराव हो तो बेहिसाब एनर्जी वहाँ से रिलीज होती है और कार्य वहाँ करना पड़ता है, और यही स्थिति संघट्ट कहलाती है। देखिए, आवेग को देख लीजिए, इम्पल्स। तो यदि कोई बल किसी वस्तु पर कम समय तक कार्यरत रहे, जब हम संघट्ट की बात करते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं, मतलब दो पिंड हैं वो आपस में टकरा रहे हैं, तो टकराएंगे तो इसका मतलब क्या है, ये वाला इसको ठोकेगा, मतलब इस पर बल लगाएगा, और ये वाला पिंड इस पर बल लगाएगा। दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में बल अप्लाई कर रहे हैं और बल का अनुभव भी कर रहे हैं, क्योंकि प्रतिक्रिया बल इनके ऊपर काम कर रहा है, तो वो तो अलग बात है। लेकिन ये टकराव क्षणिक है, कुछ समय रहेगा फिर हट जाएगा। जितनी देर तक ये आपस में टच में रहे तब तक इनके बीच में संघट्ट हुआ, तो उतने ही थोड़े समय के लिए कम समय तक कार्यरत रहने पर बल और समय अंतराल का जो गुणनफल हमें प्राप्त होता है उससे हम किसी वस्तु का आवेग यानी उसकी जो शीघ्रता है, उसकी जो जल्दबाजी है, उसको प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं ना कि आवेग में आकर लिया गया निर्णय सही नहीं होता है, उसमें तरह तरह के दोष होते हैं, बाद में पछताना पड़ता है। तो यही है, आवेश और आवेग जो है वो स्थायी नहीं होते हैं, ये चलायमान रहते हैं। अब यहाँ उसका सूत्र दिया हुआ है, इसको आप देखें, बल और समय अंतराल का अगर हम गुणा करते हैं तो हमें आवेग की प्राप्ति हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे, कोई गेंद किसी दीवार पर टकरा कर अगर वापस लौट कर आती है तो दीवार द्वारा गेंद पर जो बल लगाया जाता है वो बहुत कम समय तक रहता है। मतलब गेंद जो है वो दीवार से टकराई, जितने समय तक वो दीवार के टच में रही उतने ही समय तक उस पर दीवार द्वारा लगाया गया बल काम करेगा, तो वो जो टच है वो कितनी देर तक रहता है? ऐसा तो है नहीं कि गेंद जाकर दीवार पर चिपक जाती है, कुछ समय तक वो लिंक में रहती है उतने ही समय तक बल लगेगा। तो जितने समय तक दोनों संपर्क में हैं उतने समय तक जो उस पर बल काम करता है उसे बल के, यहाँ देखें आप, ये कहा गया कि यह बल गेंद के संवेग को उत्क्रमित करने के लिए पर्याप्त होता है। गेंद के अंदर जो संवेग था उसको ये बढ़ावा दे देता है, उतना ही बल। और प्रायः इन स्थितियों में बल तथा समयावधि को अलग अलग सुनिश्चित करना बहुत मुश्किल होता है, हम अलग करके नहीं देख सकते क्योंकि ये बहुत छोटी मार्जिन होती है। बल तथा समय का गुणनफल जो कि पिंड का संवेग परिवर्तन होता है वो असल में मापने योग्य राशि है, तो जो मापन करने योग्य है हम उसी को नापेंगे, और इन्हीं का गुणनफल कहलाता है आवेग। अब यहाँ भार और द्रव्यमान में अंतर दिया है जो कि एक बहुत बेसिक डिफरेंस है और आपको मालूम होना चाहिए। भार को हम लोग डब्ल्यू से व्यक्त कर रहे हैं यानी वेट, और द्रव्यमान को हम लोग एम से व्यक्त कर रहे हैं यानी मास। तो वेट में ये है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है असल में, ये और कुछ नहीं है। तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ये पृथ्वी की ओर किसी वस्तु को खींचता है और ये किसी भी वस्तु पर लग सकता है जिसके अंदर द्रव्यमान उपस्थित है, और द्रव्यमान वस्तु के अंदर या किसी भी चीज के अंदर पदार्थ की मात्रा होती है या पदार्थ का परिमाण होता है। भार का जो एसआई मात्रक है वो न्यूटन होता है, यहाँ आप देख रहे हैं, और द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है। भार को हम लोग न्यूटन क्यों लिखते हैं? बल का मात्रक हमने देखा था न्यूटन होता है, तो भार भी तो एक बल है जो कि पृथ्वी द्वारा हमारे ऊपर लगाया जा रहा है, पृथ्वी की ओर लग रहा है, पृथ्वी हमें खींच रही है तो वो तो बल लगा ही रही है, और पृथ्वी की ओर ये भार जो है ये हमारा नीचे की ओर काम करता है, तो ये भी एक तरह का बल है। तो जब ये बल का ही एक स्वरूप है, गुरुत्वाकर्षण बल के साथ इसका तालमेल है, तो बल का स्वरूप होने की वजह से मात्रक एक ही होगा। बल चाहे जिस भी प्रकार का हो मात्रक में परिवर्तन तो होगा नहीं, इसलिए इसका मात्रक है न्यूटन, और द्रव्यमान का हमेशा किलोग्राम होता है। अब सदिश इकाई की अगर बात की जाए तो ये जो भार है इसकी दिशा होती है नीचे की ओर काम कर रहा है mg। जैसे मान लीजिए कि ये लकड़ी का गुटका है, इसको लटका दिया गया ऐसे यहाँ से रस्सी बांधकर, तो इसका भार नीचे की ओर काम करेगा, पृथ्वी के ऊपर अपना बल लगाएगा, तो ये mg इसकी दिशा नीचे की ओर है, तो इसमें दिशा है जो कि इसलिए इसको सदिश कहेंगे। द्रव्यमान में दिशा से कोई लेना देना ही नहीं होता है, ये सदिश अदिश इसमें कुछ मायने ही नहीं रखता है, तो इसको हम मोटे तौर पर कह देते हैं कि ये अदिश है। इसका सदिश और अदिश दोनों से कोई ताल्लुक नहीं, द्रव्यमान में सिर्फ हमें पदार्थ की मात्रा से मतलब होता है, और वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न हो सकता है, द्रव्यमान में वो बात नहीं होती है, वो हमेशा स्थायी होता है, जैसा है वैसे ही रहेगा। मतलब यह है कि वस्तु के भार में पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण या उस बड़े पिंड का जिसके द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल लगाया जा रहा है उसका गुरुत्वीय त्वरण साथ में गुणित होता है। अगर आप चंद्रमा पे हैं तो चंद्रमा का काम करेगा, अगर आप सूर्य पर हैं जो कि संभव नहीं है तो उसका काम करेगा। जितना बड़ा ग्रह जितनी बड़ी ग्रेविटी उतना ही ज़्यादा गुरुत्वीय त्वरण, तो वो गुरुत्वीय त्वरण ही निर्धारित करता है, उसकी मात्रा निर्धारित करती है कि आपका भार कितना होगा, और वो भी पूरे प्लैनेट पे या पूरी सेलेस्टियल बॉडी पर हर जगह एक समान गुरुत्वीय त्वरण नहीं होता है।
जैसे आप जानते हैं कि विषुवत रेखा और ध्रुवों पर आने जाने पर उसमें फर्क पड़ जाता है। ध्रुवों पर पृथ्वी के केंद्र से दूरी कम हो जाती है क्योंकि ध्रुवों पर पृथ्वी हल्की सी चपटी है, विषुवत रेखा पर वो उसका जो बल्ज है वो ज़्यादा है यानी उभार ज़्यादा है, तो वहाँ केंद्र से दूरी बढ़ जाती है। केंद्र से जब दूरी बढ़ेगी तो गुरुत्वाकर्षण बल में कमी आएगी, हल्की सी कमी, तो गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाएगा, और जहाँ पर केंद्र से दूरी घटी यानी ध्रुवों पर, वहाँ ये बढ़ जाएगा। तो ये कम अधिक होता रहता है और द्रव्यमान हमेशा स्थिर होता है, आप जानते हैं। अब इसके बाद वन लाइनर डाटा देखिएगा, तो दृढ़ पिंड की यहाँ परिभाषा दे रखी है, ऐसा आदर्श पिंड, और आदर्श कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ कल्पना है। तो आदर्श पिंड की बात हो रही है जिसके कि कणों पर अगर आप बल लगाते हैं, मतलब उसके ऊपर कुल मिलाकर बल लगा रहे हैं, तो उनके बीच की दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब आप कितना भी बल लगा लीजिए उसमें किसी भी तरह की विकृति नहीं पैदा होगी, इसका ये मतलब। लेकिन ऐसा कोई पिंड नहीं होता है कि उसके ऊपर आप बल भी लगाएं और विकृति ना हो, भले ही वो आपको दिखाई ना दे सामान्य तौर पर, लेकिन एक मार्जिनल विकृति हो जाएगी। घर्षणहीन पृष्ठ अगर है तो उस पर कोई व्यक्ति नहीं चल सकता है, क्योंकि घर्षण ये गति का विरोध करता है लेकिन ये हमें चलने में भी सहयोग करता है, मतलब हमारी चाल को अनियंत्रित होने से रोकता है। और अगर घर्षणहीन सतह पर कोई चीज़ गतिमान है, स्थिर है, तो चल ही नहीं पाएगी, और अगर गतिमान है तो वो रुक नहीं सकती, ठीक है। अब पूर्ण घर्षण रहित सतह पर अगर कोई व्यक्ति सीटी बजाता है तो उसके अंदर गति आ सकती है, क्योंकि सीटी बजा रहा है तो वो भी वहाँ पर बल आरोपित कर रहा है। सीटी बजाने के लिए व्यक्ति एक दिशा में हवा छोड़ेगा, परिणाम स्वरूप विपरीत दिशा में उस पर क्रिया के अपोजिट में प्रतिक्रिया बल लगेगा, तो इससे उसके अंदर गति आ जाएगी। कुल मिलाकर बल की आवश्यकता पड़ती है। भरी हुई गाड़ी को चलायमान रखने के लिए आवश्यकता से अपेक्षाकृत अधिक बल लगाना पड़ता है। और यहाँ आप देखिए, इसमें ये कहा गया ना, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखने की आवश्यकता है। भरी हुई गाड़ी है, उसको चलाने में और उसे चलायमान रखने में, दोनों में फर्क है। जब आप चलाने के लिए उसको बल लगाते हैं, यानी वो एक जगह स्थिर खड़ी है, तो आप उस पर बल लगाएंगे तो आपको ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। एक बार वो रफ्तार पकड़ लेगी और तब आप उसे ठेलेंगे तो आपको उतनी मेहनत नहीं लगेगी। तो उसको उसके जड़त्व की स्थिति से आपको निकालना पड़ता है, यानी उसमें घर्षण बल के विरोध में आपको काम करना पड़ता है। तो जब शुरुआत होती है, उसको स्थिर अवस्था से बाहर ले आना है, तो वहाँ ज़्यादा विरोध आपको करना पड़ेगा, इसलिए बल भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा। यदि किन्हीं दो वस्तुओं की गतिज ऊर्जा समान है तो उनमें समान अवरोधक बल अगर आप लगा देते हैं तो वो समान दूरी पर ही जाकर रुकेंगे, लेकिन शर्त यह है कि गतिज ऊर्जा बराबर होनी चाहिए। अब यहाँ से शुरू होती है भारतीय अर्थव्यवस्था, और एडम स्मिथ के कुछ नियम हैं जिन्हें कि आपको जान लेना चाहिए। तो अर्थशास्त्र के तीन प्राकृतिक नियम इन्होंने दिए। पहला नियम स्वहित का नियम है, दूसरा नियम प्रतिस्पर्धा का नियम है, और तीसरा नियम है आपूर्ति और मांग का नियम। तीनों ही महत्वपूर्ण है। स्वहित का नियम ये कहता है कि सब लोग अपना हित साधते हैं, यानी अपना स्वार्थ देखते हैं, खुद का अर्थ सिद्ध हो जाता है तभी दूसरे के बारे में सोचते हैं, तो अपने भले के लिए काम किया जाता है, और यही इंसानी प्रवृत्ति है। ये पहला नियम है जो कि सांसारिक नियम। इसके बाद प्रतिस्पर्धा का नियम है, जब वो अपने अपने पेट भरने भर कमा लेते हैं, पेट भरने भर काम कर लेते हैं, तो उसके बाद तब वो निगाह उठाते हैं और अपने अगल बगल वालों को देखते हैं, और उनसे ऊंचा होने की इच्छा उनके अंदर होती है, आगे निकलने की इच्छा होती है। ये भी इंसानी गुण है। अगर किसी के अंदर नहीं पाया जाता है प्रतिस्पर्धा का गुण, तो वो मनुष्य नहीं, ठीक है। पशुओं में भी होती है, पशुओं में भी जहाँ बौद्धिकता का स्तर बढ़ता है वहाँ प्रतिस्पर्धा चालू हो जाती है। ये भी प्रकृति का ही नियम है। तो प्रतिस्पर्धा के नियम में कम कीमत में बेहतर उत्पाद बनाने के लिए मजबूरी लोगों की हो जाती है। ये तो हमने प्राकृतिक स्तर पर बात की नहीं, यहाँ हम अर्थशास्त्र की बात करेंगे। तो उसमें बाजार एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। तो बाजार में बहुत सारे विक्रेता हैं, सब अपना एक ही तरह का सामान बेच रहे हैं। मान लीजिए कि एक जो विक्रेता है वो कोई खाने का सामान बनाकर बेच रहा है, उदाहरण के तौर पर समोसे बनाकर बेच रहा है, और उसके बगल में भी एक सेम दुकान खुल गई और वो भी समोसे बनाने लगा, वो उससे अच्छा बनाने लगा, तो भीड़ किसकी दुकान पर ज़्यादा लगेगी? दूसरी वाली पर, जहाँ अच्छे बन रहे हैं। तो ऐसे में अच्छा बनाने का फिर कॉम्पिटिशन चालू हो जाएगा, फिर दूसरा वाला भी अपने को इम्प्रूव करेगा, फिर दोनों में आपस में प्रतिस्पर्धा चलती रहेगी, और उसमें जिसका अच्छा रहेगा लोग उसकी ओर जाएंगे। इस तरीके से होता है, तो प्रतिस्पर्धा चलती रहती है, और इससे बेहतर उत्पाद जो उपभोक्ता है यानी खरीदार है उनको प्राप्त होता है। आपूर्ति और मांग का नियम अगर आप देखें, तो आपूर्ति और मांग का नियम ये कहता है कि अर्थव्यवस्था जो है बाजार की, उसमें मांग को पूरा करने के लिए सबसे कम कीमत पर पर्याप्त माल का उत्पादन किया जाए। जो सबसे कम कीमत संभव हो उस पर अगर हम पर्याप्त मात्रा में उत्पादन कर रहे हैं, तो ये आपूर्ति और मांग के संतुलन को बनाए रखता है। एडम स्मिथ के ये सामान्य नियम हैं, देखने में बड़े ही सीधे लग रहे हैं, लेकिन ये अर्थव्यवस्था की आधारभूत संरचना को दर्शाते हैं। अब आर्थिक सिद्धांत क्या है, ये भी जानना आवश्यक है। तो 1930 के दशक से चार व्यापक आर्थिक सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। इसमें कीनेसियन का अर्थशास्त्र है, मुद्रावाद है, नया शास्त्रीय अर्थशास्त्र है, और आपूर्ति पक्ष का अर्थशास्त्र है। तो ये सभी सिद्धांत 1930 के दशक में कीनेसियन अर्थशास्त्र के आगमन से पहले शास्त्रीय अर्थशास्त्र पर अलग अलग डिग्री पर आधारित है। तो अर्थशास्त्र वैसे तो हमारी ही विद्या है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र आप देखते हैं, वो असल में अगर देखा जाए तो आज के समय में जो हम इकोनॉमी पढ़ते हैं यानी अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं, तो उससे भिन्न है। उसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, पॉलिटी है, और आर्थिक ढांचे के ऊपर भी पर्याप्त चर्चा की गई। तो तीनों ही चीज़ों का वहाँ समावेश दिखाई देता है। तो अर्थशास्त्र की नींव तो हमारी ही जड़ों में है। अब यहाँ से अलग अलग निकला हुआ है, 1930 के दशक में ये बातें कही गई खुले तौर पर, और अर्थशास्त्र की अवधारणाएं ये क्या कहती है, इन्हें आप देख लीजिए।
ये मूल रूप से चार हैं, एक तो कमी है, दूसरा आपूर्ति है, फिर मांग, लागत और लाभ है। लागत और लाभ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्रोत्साहन ये मनुष्य के द्वारा किए गए निर्णयों को समझाने में काफी हद तक मदद कर सकता है। तो अर्थशास्त्र का पहला नियम आपको बताता है कि उदाहरण इसमें वैसे तो कम है लेकिन परिभाषा मिल जाती है, उन सभी को संतुष्ट करने के लिए कुछ भी पर्याप्त नहीं है जो इसे चाहते हैं। मतलब अर्थशास्त्र ऐसा कोई उदाहरण नहीं है, और अर्थशास्त्र में जो हम देखते हैं कि मांग और आपूर्ति होती है, तो आप ये भी समझ पाते हैं कि जितनी मांग रहती है उसके अनुपात में आपूर्ति आमतौर पर नहीं हो पाती है। तो ये इसका तात्पर्य है कि सभी को संतुष्ट करना संभव नहीं है, और अर्थशास्त्र इसी की पुष्टि करता है। इसका तात्पर्य ये भी है कि पूरी अर्थव्यवस्था या पूरे समाज में जितने भी लोग हैं सबकी आवश्यकताएं एक ही समय में संपूर्ण हो जाएं, ये संभव नहीं। कार्ल मार्क्स का सिद्धांत ये कहता है कि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सिद्धांत के तौर पर अर्थशास्त्र को पढ़ना चाहिए, जो कि पूंजीपतियों और मजदूर वर्ग के बीच में संघर्ष को दर्शाता है। पूंजी का संकेंद्रण पूंजीपतियों के पास होता है, और मजदूर अपनी आजीविका के लिए संघर्ष करते हैं और अंततः उन्हीं की चाकरी करने के लिए, पूंजीपतियों की चाकरी करने के लिए विवश हो जाते हैं। तो इनके बीच में मानसिक गतिरोध चलता रहता है। बॉम्बे प्लान किसने पेश किया था, ये छोटी छोटी क्वेश्चन के फॉर्मेट में दिया हुआ है, प्रश्न उत्तर में याद आसानी से होता है। तो बॉम्बे प्लान के रूप में जाना जाता है एक ऐसा प्लान जिसे कि JRD टाटा, ठीक है, और GD बिरला यानी घनश्याम दास बिरला, ये जाने माने लोग हैं, और लाल श्री राम जैसे जो शीर्ष उद्योगपति थे उन्होंने लिखा था। योजना का मसौदा तैयार करने में मदद करने वाले अर्थशास्त्रियों में जॉन मथाई थे, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री बने बाद में, और इसके अलावा आर्देशिर दलाल और AD श्रॉफ, इसके अलावा PS लोकनाथन का नाम आता है, जो कि बड़े बड़े अर्थशास्त्री थे, अर्थशास्त्र के ज्ञाता थे, वो बॉम्बे प्लान को पेश करते हैं। अर्थशास्त्र का जनक मानते हैं एडम स्मिथ को। वैसे तो बहुत सारे अर्थशास्त्रियों की टिप्पणियां प्रकाशित हुई हैं, जिसमें कि एडम स्मिथ के अलावा अन्य भी हैं और बड़े बड़े हैं, लेकिन शुरुआती हम इन्हें मानते हैं। ये स्कॉटलैंड के रहने वाले थे और ये कोई इकोनॉमिस्ट नहीं थे, और इन्होंने कोई इकोनॉमी में PhD नहीं किया था। ये स्वभाव से एक दार्शनिक थे, और एक दार्शनिक हर तरीके की सोच रखता है, मतलब बहुआयामी उसकी सोच होती है। तो इन्हें अर्थशास्त्र का जनक माना गया। 1776 में स्मिथ के द्वारा द वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक होने से बहुत विद्वान आर्थिक अवलोकन कर रहे थे, तो ये अलग अलग जानकारियां हैं। इसके बाद आप देखें कि सूर्य के प्रकाश को भी एक आर्थिक संसाधन माना जा सकता है, ये प्रश्न किया गया है। तो ये आर्थिक संसाधन नहीं है, इन्हें आप आर्थिक संसाधन नहीं कह सकते हैं। ये जो जलवायु के कारक हैं या फिर सूर्य का प्रकाश है, ये सब प्राकृतिक हैं, प्राकृतिक संसाधन है, और ये प्रचुर मात्रा में है, ऐसा नहीं है कि ये कम मात्रा में। और इनका ये भी अर्थ ये हो सकता है कि दुर्लभ नहीं है, ये कम रहेंगे तभी दुर्लभ रहेंगे। तो आर्थिक संसाधनों में भूमि, श्रम और पूंजी आते हैं, और पानी भी आजकल उसी में जोड़कर देखा जाना चाहिए, अगर उसकी मात्रा के हिसाब से उसे काउंट किया जा रहा है। तो ये आपने देखा। अब इसके बाद कीनेसियन मॉडल को देखिए। अगर इस परिभाषा के हिसाब से हम चलें तो हमें ये जानना होगा कि फिर जो हमारे पेड़ पौधे बचे हुए हैं, हरी वनस्पतियाँ पृथ्वी पर बची हुई हैं, और जो भूमिगत जल मतलब पीने योग्य साफ पानी बचा है, वो भी अब आर्थिक संसाधन के तौर पर ही गिना जाना चाहिए। क्योंकि पूंजी का हम क्या करेंगे, पूंजी में ही हालांकि उसको जोड़कर बाद में देखा जाता है, लेकिन स्पष्ट विभाजन दिखना चाहिए। ठीक, अब कीनेसियन मॉडल और गाडगिल योजना को भी देख लीजिए। तो इसमें कीनेसियन जो है, या कीनेसियन इन्हें कहना चाहिए, अर्थशास्त्र में ये अपने सिद्धांत को देते हैं। अर्थव्यवस्था में कुल खर्च, उत्पादन, रोजगार और मुद्रास्फीति पर इसके प्रभावों का पूरा व्यापक मूल्यांकन इसमें किया गया है, और अपने सिद्धांत के आधार पर कीन्स ने मांग को प्रोत्साहित करने और वैश्विक अर्थव्यवस्था को बाहर निकालने के लिए सरकारी व्यय और कम कीमतों में वृद्धि की वकालत की थी। गाडगिल योजना को आप कैसे देखते हैं, तो गाडगिल प्लान जो है ये तीसरी पंचवर्षीय योजना के निर्माण के साथ तैयार किया गया था, मतलब उसी का आधार बना, और इसके विषय में आप तीसरी पंचवर्षीय योजना से जोड़कर देख सकते हैं। सामान्य हिंदी के सेगमेंट को देखिए विलोम शब्दों में। तो विपद का विलोम होता है सपद, यहाँ आप देख रहे हैं। विपन्न का होता है अविपन्न या निरोग। विपन्न मतलब बीमार भी हो सकता है, तो उसका निरोग हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद विबुध का हो जाएगा अविबुध, या फिर आप इसे दैत्य या धनुष भी कह सकते हैं, क्योंकि विबुध मतलब होता है देवता। विभक्त का अविभक्त हो जाएगा विमुख का, सन्मुख और उन्मुख दोनों हो सकता है। वियोज्य का अवियोज्य हो जाएगा, विरल का सुलभ और सर्वसुलभ दोनों हो सकता है। विराट का क्षुद्र हो जाएगा और विवाहित का अविवाहित हो जाएगा। विवेकी का अविवेकी हो जाएगा, विशाल का लघु हो जाएगा। विशिष्ट का सामान्य या साधारण हो सकता है, विशुद्ध का अविशुद्ध हो जाएगा, विशेष का साधारण या सामान्य, ये आप देख रहे हैं। और विशेषज्ञ का अविशेषज्ञ, विश्वसनीय का अविश्वसनीय, विश्वस्त का अविश्वस्त या विश्वासघाती, विश्वास का अविश्वास, विश्वासी का अविश्वासी, विस्तीर्ण का अविस्तीर्ण और विस्तृत का संकुचित या संक्षिप्त। नेक्स्ट, यहाँ आप देखें विस्मरणीय का अविस्मरणीय, विहित का अविहित, और वीर का कायर होता है, यहाँ आप देख रहे हैं। वृद्धि का ह्रास होता है और वृष्टि का अनावृष्टि होता है। वैज्ञानिक का अवैज्ञानिक, वैतनिक का अवैतनिक, वैध का अवैध, वैधानिक का अवैधानिक, व्यक्त का अव्यक्त, व्यक्तित्व का अव्यक्तित्व, व्यग्र का अव्यग्र या शांत हो जाएगा, व्यभिचारी का सदाचारी, और व्यर्थ का अव्यर्थ, या उपयोगी भी लिख सकते हैं।
व्यवस्था का कुव्यवस्था, अव्यवस्था दोनों हो सकता है। अव्यवस्थित का व्यवस्थित हो जाएगा, व्यवहित का अव्यवहित हो जाएगा, व्यष्टि का समष्टि, व्यस्त का अव्यस्त, व्यापक का अव्यापक, व्याप्त का अव्याप्त, व्याप्ति का अव्याप्ति, व्याप्य का अव्याप्य, व्यवहारिक का अव्यवहारिक, शंकित का अशंकित, शकुन का अपशगुन, और शक्य का अशक्य हो जाएगा। शक्य मतलब जो हो सकता है, होने योग्य, अशक्य मतलब जो नहीं हो सकता है, नामुमकिन। शत्रु का मित्र, शत्रुता का मित्रता, शर्मदार का बेशर्म, और शम्य का अशम्य, शयन का जागरण, शरीरी का अशरीरी, शांत का अशांत, उत्तेजित उद्विग्न, कुछ भी हो सकता है, शांति का अशांति, शानदार का शर्मनाक, और शाप का वरदान हो जाएगा। इसमें क्रम से आप देखिए, शालीन का धृष्ट हो जाएगा, शासक का शासित, और शास्त्रीय का अशास्त्रीय, शिक्षित का अशिक्षित, शिष्ट का अशिष्ट, शीतल का उष्ण। यहाँ आप देखिए, शीर्ष का तल हो जाएगा, शीर्ष मतलब ऊपर का, या सतह और तल आप ऐसे कर सकते हैं। इसके बाद शुक्ल का कृष्ण हो जाएगा, शुक्ल मतलब उजला या सफेद, कृष्ण मतलब काला। शुचि का अशुचि हो जाएगा, शुचि मतलब पवित्रता। शुद्ध का अशुद्ध, शुष्क का सरस, श्रृंखलित का विश्रृंखलित, शोचनीय का अशोचनीय, शोषक का शोषित, शोक का हर्ष, यहाँ आप देख रहे हैं, शोधित का अशोधित, भीरुता का शूरता, और शुभ का अशुभ होता ही है। इसके अलावा सोहरत का बदनामी हो जाएगा, शौच का अशौच हो जाएगा, श्यामा का गौरी हो जाएगा, श्रद्धा का अश्रद्धा है, श्रव्य का दृश्य है, श्रांत का अश्रांत है, श्री गणेश का इति श्री है, श्रुत का अश्रुत है, श्रुति मधुर का कर्ण कटु है, श्रेष्ठ का अधम है, श्लिष्ट का अश्लिष्ट होता है, श्रेष्ठता का अधमता होता है, श्रोता का वक्ता होता है, श्लील का अश्लील होता है, श्वेत का अश्वेत या श्याम हो सकता है, मतलब श्याम हो सकता है, संकल्प का विकल्प है, संकीर्ण का विकीर्ण है, संकोच का असंकोच है, संक्षेप का विस्तार है, संग का कुसंग, संगत का असंगत या बेमेल, संगति का असंगति, संगठन का विघटन, और संगठित का विघटित, संगठित का विघटित, और संगठित का विघटित। इस तरीके से हमने देखा। आगे चलते हैं, करंट अफेयर्स को देख लीजिए। यहाँ पर दिवसों के नाम दिए हैं, तारीख दी है, और विषय दे रखा है। तो शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को, ये 74वां शहीद दिवस था जो इस बार मनाया गया 2022 में, और 30 जनवरी की ही तारीख में हम मनाते हैं विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस, यानी NTD डे जो होता है। और इसमें इस बार का विषय था, ये नारा और विषय आप देख रहे हैं, गरीबी से संबंधित बीमारियों की उपेक्षा को समाप्त करने के लिए स्वास्थ्य में समानता हासिल करना। 2022 का जो लोगो था या थीम वाक्य था, वो था उपेक्षा से देखभाल की ओर। इसके बाद कुष्ठ रोग दिवस भी मनाया जाता है 30 जनवरी को। तटरक्षक बल का 46वां स्थापना दिवस ये 1 फरवरी को था, ICG जिसे आप कहते हैं, और भारत की संसद के तटरक्षक अधिनियम 1978 के द्वारा इसे स्थापित किया गया था 1977 को। यहाँ आप देख रहे हैं, कल्पना चावला की पुण्यतिथि ये 1 फरवरी को है, और इसके बाद वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक ये 1 से 7 फरवरी के बीच में मनाया गया, कॉमन वर्ल्ड पहल के अग्रणी कार्य के द्वारा ये आधारित है, और ये पूरा 1 सप्ताह होता है। इसमें जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय के द्वारा ये प्रस्तावित किया गया था 2010 में पहली बार, और फरवरी का पहला सप्ताह इसे समर्पित किया गया है। और वेटलैंड डे आप जानते ही हैं, 2 फरवरी रामसर कन्वेंशन की डेट है ये, आर्द्र भूमियों के प्रति जागरूकता फैलाना, पहली बार इसे 1997 में मनाया गया था। इसके बाद आर्द्र भूमियों के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना, विशेष रूप से विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। और आगे चलते हैं, राष्ट्रीय, यहाँ आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस, ये 4 फरवरी को ही मनाया जाता है, और पहली बार 2021 में UN यानी यूनाइटेड नेशन द्वारा इसे मनाया गया था। इस बार का जो थीम था वो था विश्व अंतरधार्मिक सद्भाव सप्ताह, उसके हिस्से के तौर पर इसे मनाया गया, ये थीम नहीं है बल्कि उसका हिस्सा है। सुरक्षित इंटरनेट दिवस को आप देख रहे हैं, 2022 का इसका थीम था बेहतर इंटरनेट के लिए एकजुटता, 19वां संस्करण इस बार मनाया गया है, और 8 फरवरी को ये मनाया गया इस बार 2022 में, फरवरी के दूसरे सप्ताह के दूसरे दिन इसको सेलिब्रेट किया जाता है, तारीख फिक्स नहीं। 10 फरवरी को दलहन दिवस मनाते हैं, ये विश्व दलहन दिवस है, और इस बार का थीम था कि जो सतत कृषि की खाद्य प्रणालियां हैं उनको प्राप्त करने में युवाओं को सशक्त बनाना, और उसमें दलहन की भूमिका। पहला जो विश्व दलहन दिवस है वो मनाया गया था 10 फरवरी 2019 को। इसके बाद कृमि मुक्ति दिवस 10 फरवरी को मनाया गया, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा 2015 में इसको स्थापित किया गया था, शुरुआत इसकी की गई थी। विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये 11 फरवरी का है। 2022 का विषय था समानता, विविधता और समावेश, जल हमें एकजुट करता है, ये इसका थीम था। और 2016 से ये लगातार मनाया जा रहा है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा हर साल इसे सेलिब्रेट किया जाता है। तिलका मांझी की जयंती मनाई गई 11 फरवरी 2022 को। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, पहाड़िया समुदाय के पहले आदिवासी नेता थे तिलका मांझी, उनकी 272वीं जयंती ये थी। इन्होंने मंगल पांडे से लगभग 70 साल पहले 1784 में अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाए थे। तिलका मांझी को उनके साथी जबरा पहाड़िया कहते थे, और अंग्रेजों के अभिलेख में उसे गुस्सैल मांझी के नाम से पुकारा गया। इन्होंने संथाल हूल को शुरू किया था, जो कि संथाल विद्रोह के तौर पर बाद में सामने आता है। अंग्रेजों और उनके चापलूस सहयोगियों पर हमला करके उनकी दौलत लूटकर जो ग्रामीण थे या जो जरूरतमंद थे उनको वितरित करना, ये इनका काम था, रॉबिनहुड वाला ये काम करते थे। और तिलका मांझी ने 13 जनवरी 1784 को ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासक ऑगस्टस क्लीवलैंड को हमला करके मार डाला था। तो इन आदिवासियों से अंग्रेज बड़े भयभीत रहते थे,
क्योंकि ये न सिर्फ विरोध करते थे बल्कि अगर इनके मन में आ जाए तो ये खत्म भी कर देते थे और कर देते थे। इसके बाद विश्व यूनानी दिवस को आप देखें, 11 फरवरी को ये मनाया गया। पहला यूनानी दिवस 2017 में हैदराबाद का जो केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है वहां पे मनाया गया था। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 12 फरवरी का है, 12 से लेकर 18 फरवरी इसको सेलिब्रेट किया गया, सप्ताह के तौर पे मनाया गया और इस बार का थीम था उत्पादकता के माध्यम से आत्मनिर्भरता। अब विश्व रेडियो दिवस को आप देखें, 13 फरवरी का है, 2012 में पहली बार मनाया गया था। सरोजनी नायडू की जयंती को यहाँ राष्ट्रीय महिला दिवस के तौर पे हम मनाते हैं 13 फरवरी को, और इन्हें भारत कोकिला भी कहा जाता है। 143वीं जयंती इस बार मनाई गई। गुरु रविदास की जयंती ये 16 फरवरी को थी और पंजाब में ये काफ़ी हर्षोल्लास से मनाई जाती है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती 19 फरवरी, जीजाबाई और शाहजी भोसले के घर में इनका जन्म हुआ था, शिवनेरी देवी की कृपा से शिवनेर किले में इनका जन्म हुआ था। तो ये 19 फरवरी 1630 की बात है। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ आप देखें 7वां मृदा कार्ड, ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस है, 19 फरवरी को ये भी मनाया गया और भारत द्वारा इसे प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अब इसमें SHC जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है भारत के संदर्भ में, उसी के उपलक्ष्य में उसका शुभारंभ हुआ था, उसी के उपलक्ष्य में इसे मनाया जाता है। 19 फरवरी 2015 को इसे शुरू किया गया था। यहाँ अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का स्थापना दिवस है जो कि 20 फरवरी को मनाया जाता है। मिजोरम को 1972 में, यहाँ आप देख रहे हैं, 1972 में पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम के तहत जो कि 1971 का था, एक केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था। उस समय इसे राज्य का दर्जा नहीं मिला था। और भारतीय संविधान 1986 में जो 53वां संशोधन अपना देखता है उसमें इसे 23वें राज्य का दर्जा मिलता है। ये संशोधन आप याद रखिएगा। मिजोरम के साथ ही अरुणाचल प्रदेश भी जो है वो 20 फरवरी 1987 का जो समय है उस समय अस्तित्व में आता है। तो ये 20 फरवरी की तारीख है जो कि दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। वन लाइनर करंट अफेयर को देख लेते हैं, और इंदौर को भारत के सबसे स्वच्छ शहरों में से एक माना जाता है। पेट्रोपोलिस जो कि ब्राजील का एक शहर है, ध्यान दीजिएगा पेट्रोपोलिस क्या है, ये ब्राजील का ही एक शहर है। यहाँ पर भूस्खलन और बाढ़ से मरने वालों की संख्या 17 फरवरी 2022 को काफ़ी ज़्यादा हो गई, मतलब 117 के आसपास लोग यहाँ मारे गए। यहाँ नीचे आप देख रहे हैं चंबा हिमाचल प्रदेश का आकांक्षी जिला, ये यहाँ पे बना हुआ है 2022 फरवरी में। भारत का 100वां हर घर जल जिला बन चुका है, मतलब आकांक्षी जिले की हैसियत से तो है ही है, उसके अलावा हर घर जल इसके तौर पे ये 100वां जिला बन गया है पूरे भारतवर्ष में। और जल जीवन मिशन के द्वारा देश भर के 9 करोड़ ग्रामीण घरों में नल का पानी उपलब्ध कराया जाएगा। वैसे तो बहुत सारे स्रोत होते हैं, हैंडपम्प का पानी होता है और नलकूप का पानी होता है, लेकिन शुद्ध जल पहुँचाना ये इसका उद्देश्य है। मालावी में एक जगह पे 3 साल के बच्चे में वाइल्ड पोलियो का एक मामला पाया गया है, वाइल्ड पोलियो के प्रकोप की घोषणा की गई है। वैसे तो पोलियो काफ़ी हद तक कम हो चुका है अपने देश में, बहुत ही रेयर मामले दिखाई देते हैं, लेकिन ये दूसरे ही ढंग का है। जंगली पोलियो जो है इसमें 5 साल से अधिक समय से अफ्रीका में इसका ये पहला मामला दिखाई दिया है। अफ्रीका से ही ज़्यादातर जो इस तरह के जंगली जानवरों के संपर्क से होने वाले रोग हैं वो ईजाद होते हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं 2020 में महाद्वीप को भी सभी प्रकार के मतलब इस महाद्वीप को भी सभी प्रकार के जंगली पोलियो से मुक्त घोषित किया गया था, लेकिन अब ये फिर से सामने आ गया है। बिहार के मुंगेर के तारापुर शहर में 90 साल पहले पुलिस द्वारा मारे गए ये 34 स्वतंत्रता सेनानी थे, तो इनके सम्मान में 15 फरवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया गया। और कृष्णा नदी के पानी के आवंटन पर विवाद संबंधी एक याचिका पर सुनवाई, ये कर्नाटक राज्य सरकार जो है ये सुप्रीम कोर्ट से इसकी मांग कर रही है कि इस पर एक समिति बना दी जाए ताकि इसे जल्द से जल्द निपटाया जा सके। कृष्णा नदी ये कहाँ कहाँ से गुजरती है, जिन नदियों का जल कई राज्यों से होकर गुजरता है उनमें वाटर डिवीज़न को लेकर या वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर आपस में डिस्प्यूट होता है, तो इनके लिए ट्रिब्यूनल बनाए जाते हैं ताकि त्वरित निपटान हो सके। तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों से ये होकर बहती है, मतलब कुल मिलाकर तत्काल में 4 राज्यों से होकर कृष्णा नदी बहती है। हाल ही में तमिलनाडु सरकार के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में स्पष्ट किया गया कि राज्य सरकार नहीं चाहती है कि भारतीय न्यूट्रिनो वेधशाला यानी INO को पश्चिम घाट के इको सेंसिटिव जोन में स्थापित किया जाए, क्योंकि टेक्नोलॉजी चाहे जितनी भी हमारे लिए वरदान हो लेकिन हम अपनी प्राकृतिक धरोहर को नष्ट नहीं कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि पश्चिमी घाट जैव विविधता का बहुत सघन संकेंद्रण है, अगर वहाँ पर हमने इस तरह का कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया तो उससे पूरी जैव संरचना वहाँ की क्षतिग्रस्त हो जाएगी, उसे उसके प्राकृतिक स्वरूप में ही रहने देने में बुद्धिमानी। स्थानीय विरोध के बावजूद भारतीय न्यूट्रिनो वेधशाला की स्थापना से वन्य जीवन और जैव विविधता को भारी क्षति हो सकती है। अगर विरोध की ओर ध्यान नहीं दिया गया और इसकी स्थापना कर ही ली गई, जो कि सरकार आमतौर पर करती हैं क्योंकि वो पहले पर्यावरण का हित नहीं बल्कि जो मनुष्य का हित है उसको देखती, जबकि मनुष्य का हित भी पर्यावरण के हित से जुड़ा हुआ है, लेकिन वो बाद में समझ में आता है, तो तत्काल में जो जल्दी का फायदा होता है उसको देखते हुए ये काम कर लेते हैं। प्रस्तावित वेधशाला उस टाइगर कॉरिडोर के पास बनने वाली थी जो कि केरल तमिलनाडु सीमा पर पेरियार टाइगर रिजर्व और मथिकेतन शोला नेशनल पार्क को जोड़ रहा था, तो वहां पर इसे बनाने का प्लान था। वेदांता लिमिटेड केएन आयल एंड गैस के द्वारा राजस्थान के बाड़मेर जिले में तेल की खोज की गई है, ये एक रोमांचकारी खोज है, हालांकि तेल का स्रोत सीमित है।
और 19 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री ने समग्र भारत में खेतों में कीटनाशकों के छिड़काव के लिए 100 किसान ड्रोनों को हरी झंडी दिखाई है। ड्रोन के माध्यम से अब कीटनाशक छिड़के जाएंगे और ये ज्यादा प्रभावशाली है। ड्रोन किसान यात्रा की भी शुरुआत की गई थी, जिसमें कि रसायन मुक्त खेती के संवर्धन पर जोर दिया गया था। समावेशी ड्रोन विकास सुनिश्चित करने हेतु पहली बार बजट 2022 में इसको घोषित किया गया था, मतलब जो यूनियन बजट हमारा आया था उसमें इसकी घोषणा की गई थी। हाल ही में मनोज सिन्हा ने प्रशासनिक परिषद की बैठक के दौरान जम्मू कश्मीर में औद्योगिक क्षेत्र में विदेशी निवेश के संवर्धन हेतु न्यूनतम 51% की विदेशी हिस्सेदारी के साथ साथ जम्मू और कश्मीर की पहली प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की नीति को मंजूरी दी है, जो कि FDI आप कहते हैं। और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को आप देख रहे हैं यहाँ पे, 1000 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन जो है उनको स्थापित किया गया है। और इंडियन ऑयल ने वर्ष 2017 में जनता के लिए महाराष्ट्र के नागपुर में अपना पहला EV चार्जर स्थापित किया है, ये आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर। कंपनी का लक्ष्य आगामी 3 वर्षों में 10,000 ईंधन स्टेशनों पर EV चार्जर की सुविधा उपलब्ध कराना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहन का अगर हम भविष्य में सपना देख रहे हैं तो जैसे पेट्रोल पंप होते हैं, CNG पंप होते हैं, वहाँ पे वाहन अपना फ्यूल फुलफिल कराते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे चार्जिंग करने की भी व्यवस्था होनी चाहिए, तभी इन वाहनों को पोषक पदार्थ मिल सकेगा, तो ये काम किया जाएगा। इसके बाद आप देख रहे हैं कि मसौदा नीति लक्ष्य 2024 तक राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण को 30% कम करना इसका लक्ष्य है। अब असम सरकार छात्रों के पूर्ण विकास के लिए एक 4 वर्षीय कार्यक्रम शुरू करने जा रही है और छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए उनके कौशल संवर्धन हेतु ये परियोजना शुरू की जाएगी। परियोजना टाटा ग्रुप के सहयोग से चल रही है तो अच्छी चलेगी। अब यहाँ IIT मद्रास की बात क्यों हो रही है, क्योंकि रसायन विज्ञान विभाग में महिला वैज्ञानिक ये पूनो गुंजली है, इन्होंने बेंजो थियोफिन नाम का एक औषधीय यौगिक खोजा है, मतलब इनके उत्पादन के लिए एक हरित पद्धति को विकसित, ये खोजा तो पहले ही जा चुका था, ये आप देख रहे हैं ना ये थियोफिन है, तो इसके हरित पद्धति को, इसका उत्पादन वैसे प्रकृति के लिए नुकसानदेह था लेकिन अभी इसकी जो हरित पद्धति है उसको विकसित करने का काम किया है, तो इसके लिए इन्हें पेटेंट मिल गया है। फरवरी 2022 में RBI ने रेपो रेट को 4% पर और रिवर्स रेपो रेट को 3.5% पर लगातार 10वीं बार अपरिवर्तित रखा है, यानी उसमें कोई फेरबदल नहीं किया है। तो यहाँ तक हमने समाप्त किया है और तब तक के लिए नमस्कार।